आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत। आज हम आप पहुंचे हैं एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल गजानन मंदिर रोड पे। डॉक्टर अतुल पोरे जो कि ईएनटी सर्जन और स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट है। तो सबसे पहले मैं आरोग्य जागृति का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पे जो कि बहुत ही कॉमन विषय है जिसको अपन खराटे बोलते हैं, उस पर आज लोगों में जागृति करने के बारे में आज काम करने के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे, तो धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि खराटे क्यों आते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग खराटे लेते हैं वो बहुत गहरी नींद सोते हैं, वास्तविक में इससे उल्टा रहता है। जब भी सांस की नली में नाक से ले के यहाँ तक कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसको अपन बोलते हैं अड़थड़ा आ जाए, तो आदमी खराटा लेना चालू हो जाता है। और खराटा ये मामूली चीज़ नहीं है, ये जान पे बीतने वाली भी चीज़ है। कुछ कुछ लोगों में नाक की हड्डी बड़ी रहती है, नाक की मांसपेशी फूगी रहती है और टालू जो रहता है वो बड़ा हुआ रहता है, टॉन्सिल बड़े हुए रहते हैं, तो इन सब लोगों में खराटे की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो हम लोग जैसा सोचते हैं कि खराटे लेना मतलब अपन गहरी नींद सोना, तो ये एग्जैक्टली इससे उल्टा है कि जो आदमी खराटे लेता है उसका मतलब वो उसकी नींद में गहरी नींद तक नहीं जा पाता है, तो इसलिए आदमी खराटे लेता है। सर, खराटे लेना कितना घातक होता है? अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो उसमें क्या जान पे बीत सकती है? नॉर्मली हर एक इंसान थोड़ा जब थक जाता है तब नॉर्मल खराटे लेता है। खराटे दो प्रकार के रहते हैं, एक सादा खराटे की बीमारी और ऐसे खराटे जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इस बीमारी का पहला लक्षण है। इस बीमारी में आदमी को रात में वो खराटे लेता है, दिन में सोता है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं रहती है और उसको दिन भर थकावट महसूस होती है, क्योंकि जब भी अपने सांस की ऊपर वाली नली में चोकिंग होता है तब आदमी खराटे लेता है, उसके साथ ही उसके शरीर का ऑक्सीजन का जो प्रमाण रहता है वो भी कम जाता है, तो आदमी पूरी गहरी नींद में चला नहीं जाता है। तो जो जो इंसान ऐसे ये खराटे की बीमारी की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पहला लक्षण है इससे पीड़ित है, उन लोगों का अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है। हम लोगों ने देखा है कि आजकल ये चीज़ें बहुत बढ़ गई है, तो पहले हम लोगों को बताया जाता था कि जिसकी नींद बहुत अच्छी उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, आजकल यही हो रहा है कि नींद इन खराटे की वजह से आदमी गहरी नींद नहीं सो पाता तो उसके शरीर का सब मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है, इसलिए उसको ये बाकी चीज़ें होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सर, खराटे लेने वाले पेशेंट ने क्या सावधानियां बरतना चाहिए? खराटे लेने वाले लोगों ने सबसे पहले अगर ये चीज़ उसके वाइफ या उसके साथ में सोने वाले लोग ज़्यादा बताते हैं, हम लोग खराटे वाले बीमार लोगों वालों पे हंसते हैं, लेकिन वो इंसान खुद कुछ बीमारी से झगड़ता है उसको ये पता नहीं रहता है, तो खराटे वाले इंसान को डॉक्टर के पास ले जाना ये उसके वाइफ की या उसके आजू बाजू के लोगों की सबसे पहले उन्होंने एहतियात बरतनी चाहिए। पहली चीज़, वज़न बढ़ने से जिसको अपन जनरलाइज ओबेसिटी बोलते हैं उसके कारण खराटे की मात्रा बढ़ जाती है, तो इन लोगों ने वज़न कम रखना ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। वज़न कम रखने के बाद भी और उनका डाइट अच्छा होने के बाद भी और उनकी नींद अच्छी होने के बाद भी अगर उन लोगों का खराटा कंटिन्यू चालू है तो उन्होंने खराटे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके दिखाना और पहले सबसे पहले अपनी स्लीप स्टडी करवा लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। इस स्लीप स्टडी में अपने को ये पता चलता है कि ये खराटे नॉर्मल खराटे जैसा है या ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बीमारी का लक्षण है, क्योंकि
नॉर्मल खराटे रहे तो अपन लाइफस्टाइल में चेंज करके, डाइट मॉडिफाई करके, वजन कम करके, एक साइड पे सो के उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, उस बीमारी को टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर सही में वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बीमारी का लक्षण दिख गया तो उसको टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो प्रिवेंट तभी होंगे जब अपन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट करेंगे। वो ट्रीट करने की वजह से शरीर का ऑक्सीजन का जो सप्लाई जाता है वो अच्छा होता है, और वो अच्छा होने से पेशेंट का जनरल लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप खराटा रेगुलरली है क्या नहीं वो देखो, और अगर रेगुलरली है, आपने ये सब घरगुती उपाय करने के बाद भी अगर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि ये खराटा ले रहा है, और उसके साथ और एक चीज़ है, नॉर्मल आदमी खराटा लेता है लेकिन उसकी सांस अटकती नहीं है, तो ये पहला साइन रहता है कि आप खराटे ले रहे हो और उसके साथ बाद में सांस अटकती है, ये चोकिंग सेंसेशन बताता है कि आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी सांस अटक रही हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ और आपकी स्लीप स्टडी करवा लो। सर, ये स्लीप एपनिया ये उम्र पर निर्भर करता है क्या? स्लीप एपनिया ये उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है तो उसके बाद खराटे लेना नॉर्मल हो जाता है, लेकिन स्लीप एपनिया ये बीमारी कौन से भी एज में, मतलब बच्चों से ले कर बड़ों तक सब लोगों में हो सकती है। बच्चों में स्लीप एपनिया होने का बहुत कॉमन कारण है जिसको अपन टॉन्सिल बोलते हैं, और नाक के पीछे के टॉन्सिल बोलते हैं एडेनॉइड्स। ये दोनों ग्रंथि बढ़ने के कारण बच्चों में भी स्लीप एपनिया पाया जाता है। तो वो बच्चों को उनके स्कूल में जाने की तकलीफ होती है, वो बहुत खराटे लेते हैं, बहुत उनको अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ऐसी भी बीमारी रहती है। ये हो गया बच्चों में। यंग एज में भी स्लीप एपनिया बढ़ता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अपनी खाने की चीज़ें जो बदल रही है, फास्ट फूड डाइट जो बढ़ रहा है, एक्सरसाइज जो कम हो रही है, उसके कारण स्लीप एपनिया की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो हर एक एज में बहुत ज़्यादा हो रही है। सर, स्लीप एपनिया का उपचार किस तरह किया जाता है, या फिर इसका ऑपरेशन करवा कर हमेशा के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? शेख साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज तक मानो स्लीप एपनिया पे ऐसा लोग बोलते थे कि उस पर कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो सब्जेक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होते जा रही है। तो स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ रहती है, डॉक्टर को दिखाने के बाद आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे, उसमें सबसे बेसिक टेस्ट रहता है वो है स्लीप स्टडी। और उस स्लीप स्टडी में आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है ये चीज़ देखी जाएगी। स्लीप एपनिया होने के बाद में वो कैसे टाइप का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, उसको भी जांच किया जाएगा। और फिर आपको इसके बाद दो तरीके ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन है जिसमें आप सीपैप नाम की मशीन जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसमें पेशेंट को रात भर में सीपैप मशीन नाक पे लगा के सोना रहता है। तो ये मशीन ऑक्सीजन लेती है और जो भी चीज़ अपने ये गले को रोकती है ऊपर को, उसको खुला करके रात में ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। इसके कारण पेशेंट को कंटिन्यू ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है और पेशेंट की स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, यंग एज वाले लोग जो बोलते हैं कि हम सीपैप मशीन यूज़ करना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए उसके बाद की एक टेस्ट रहती है जिसको अपन बोलते हैं स्लीप एंडोस्कोपी। कि जब आप खराटे लेते हो, जब आपको एक इंजेक्शन देके खराटे लेने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है और आपके नाक के अंदर से दूरबीन की जाँच करते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअली में कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कौन से जगह पर है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन मिलने के बाद में अगर आप सर्जरी के लिए फिट हो तो आपको उस अनुसार बताया जाता है कि आपका अड़थड़ा नाक में है, टालू में है, जबान में है, टॉन्सिल में है, और वो चीज़ बड़ी की जाती है और ये परमानेंट इलाज है। आजकल इसका सक्सेस रेट तकरीबन 90% तक है। अगर आपको अलग अलग जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो वो जगह वाइड ऑपरेशन करने से, वाइड करने से आपको तकरीबन 90% के आसपास उसको इलाज होता है।
ये होने के बाद भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन और वेट कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना बताना चाहते हूँ कि आजकल के इस नए आधुनिक दौर में स्लीप एपनिया ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। इसमें बहुत सारी सर्जरी है, जैसे मैंडिबल की सर्जरी है, टालू की सर्जरी है, टॉन्सिल की सर्जरी है, नाक की सर्जरी है। तो पेशेंट को जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा वो चीज़ हम बढ़ा देते हैं और उसकी सांस की नली मुकली कर देते हैं, जिसके कारण वो अच्छे से सांस ले पाए, उसको ऑक्सीजन अच्छे से हो और उसका लाइफस्टाइल अच्छे से हो। स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट लेने के बाद में पेशेंट में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने जान को खतरा बोलते हैं हम लोग, कि हार्ट अटैक होने के चांसेस, पैरालिसिस होने के चांसेस, ये बहुत ज़्यादा कम होते। तो मेरा सब लोगों से ये आह्वान है कि जिन जिन को खराटे की बीमारी है या उसको आप दुर्लक्षित मत करो, उसको निग्लेक्ट मत करो, वो जाके दिखाओ और जांच करो कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं। थैंक यू।